हेलो, मेरा नाम है रचा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिससे आम तौर पर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस और जो स्कूल गोइंग या कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं तो वो जो पीपल्स हैं वो सफ़र करते हैं। दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर में होता क्या है, जनरली बहुत ही ज़्यादा जो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, डिसऑर्गनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन हो जाता है, प्रॉब्लम फोकसिंग ऑन द थॉट्स हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है और मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते कोई भी काम, और प्रॉब्लम कोपिंग विद स्ट्रेस हो जाता है। जनरली कोई चीज़ हमें लगती है कि वो हमसे पूरी नहीं हो पाएगी, हमें जैसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हम उस पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत रेस्टलेसनेस आ जाती है। जैसे हम कहेंगे कि बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर या पुअर डिसऑर्गनाइजेशन और रेस्टलेसनेस जैसा बिहेवियर जो है वो होने लग जाता है, जिसके कारण हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो अटेंशन हम पहले किसी काम पे दे पाते थे वो हमारा अटेंशन जो है वो डेफिसिट हो जाता है, मतलब अटेंशन नहीं दे पाते हम किसी भी काम पर। और हॉट टेम्पर बहुत आता है। जनरली हमारा जो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की जो एक होती है टेम्परामेंट वो लॉस्ट हो जाता है और ईजी कोप अप नहीं कर पाते हम स्ट्रेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें।